अयोध्या में भक्त का कमी नहीं है। जहाँ भी देखिए पूरा अयोध्या राममय हो गया है। लगातार हम घूमने का कोशिश कर रहे हैं, देखने का कोशिश कर रहे हैं, हर जगह राममय हो गया है। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथ एक मंदिर का महाराज जी हैं, उनसे मिलते हैं और जानकारियाँ लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा जी? जी हमारा नाम अंजनी शरण दास जी महाराज। ये स्थान हमारा ठाकुर रसिक बल्लभ भगवान मंदिर गीता भवन सेवा आश्रम अयोध्या में है। हम लोग रामकोट परिक्रमा परिधि में, हमारा मंदिर यहाँ से आधी किलोमीटर दर्शन में, और इधर सरजू माता आधी किलोमीटर, और ये हमारा परिक्रमा मार्ग है, जन्मभूमि परिक्रमा मार्ग। इसमें गीता भवन पीठ है, यहाँ हम 2001 से अभी तक कार्यरत हैं। और बड़ी प्रसन्नता है भगवान की, कितने वर्षों की सब तपस्या का प्रतिफल हम लोग आज देखने को पा रहे हैं कि उत्साह में ये भगवान राम का जो संकीर्तन चल रहा है, इसको कहते हैं विजय महामंत्र। ये हम कल से शुरू करवा दिए हैं, भगवान प्रतिष्ठा हो तब तक ये चलना चाहिए, और ये पूरे देश दुनिया में भ्रमण होता रहे जय घोष के साथ, ऐसा अपनी कामना है। भक्त वत्सल ये सब हमारे शिष्यगण हैं, ये लोग उत्साहित हैं कि हम जन जन में जा करके ज्योति जगाएंगे और सनातन धर्म को अपने पुष्ट रखेंगे, तो हमारा आशीर्वाद है। कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, कितने भक्त आपका है बाबा जी? अभी 1000 से तो ज़्यादा भगत है संसार में। नेपाल में बहुत भगत हैं हमारे, 100-150 गांव के भगत हैं आते हैं। बिहार में कितना है बाबा? बिहार में भी 4-5 है, जहानाबाद है, रांची है, और पटना में है, ये सब भगत लोग आते हैं हमारे पास। और इधर हमारे गुजरात के, अभी अभी आपके पास में कानपुर के भगत, गुना मध्य प्रदेश एमपी के भगत, एक कीर्तन एमपी के भक्तों द्वारा हो रहा है। कितना दिन कीर्तन चलेगा बाबा? ये कीर्तन आज भगवान की प्रतिष्ठा तक है, और यहाँ कार्तिक परिक्रमा में 7 दिन होता है, और नवमी में 9 दिन होता है। क्या नाम हो गया बाबा जी आपका? हमारा नाम अंजनी शरण दास जी महाराज। कितने दिन से यहाँ पे है बाबा जी आप? 2001 से अभी तक वर्तमान स्थिर हूँ, और वैसे तो 92 से हूँ, भगवान के कार सेवा से ही गया नहीं, दर्शन करूँगा फिर कहीं जाऊँगा बाबा जी आपका। जी जय सियाराम। समस्त सनातन के रसिक बंधुओं से मेरा सादर जय श्री राम। मैं पाटेश्वरी राम शरण दास जी महाराज, कृपा पात्र शिष्य श्री श्री 108 महंत अंजनी शरण दास जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, जिनसे आप अभी मुखातिब हुए हैं, और मैं इस आश्रम का प्रबंधक हूँ। उस तौर से मैं सेवा दे रहा हूँ निस्वार्थ, संपूर्ण सनातन धर्म के समस्त जीवात्माओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो विजय महामंत्र जप चल रहा है इस समय, ये हमने संकल्प लिया हुआ है, शाश्वत चलता रहेगा। इसका एक संकल्प है, संपूर्ण विश्व में शांति हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म का एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम लोग सर्व मंगल मंगले की कामना सोच करते हैं, सभी लोगों का कल्याण हो। उस निमित्त हमारे सनातन धर्म के भगवा झंडा के नीचे संपूर्ण विश्व एक दिन आए, और सभी लोग सनातन के झंडा के नीचे बैठें, सभी लोग सभी आत्माएं भगवान के श्री चरणों में अपना आस्था बनाएं, और भगवान तक सब लोग जुड़े जो अभी छूट गया है, वो भी राम जी के चरणों में आए। इसलिए ये संपूर्ण विश्व के लिए संकल्प हमने लिया हुआ है, जो श्री राम जय राम जय जय राम विजय महामंत्र जो हमारे गुरु जी ने हमें आदेश किया कि बेटा ये करो, संपूर्ण विश्व में इसको फैलाओ। तो अब हमारा ये कारवां बहुत जल्द निकल रहा है। ये गुना के भगत आए हैं, मध्य प्रदेश हैं ये लोग, और हमारा यात्रा इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात प्रारंभ हो जाएगा पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत में, पहले भारत में, भारत के पश्चात पूरे विश्व में। एक ऐसा हमारा एक सोच है कि सनातन जन जागरण मंच के नीचे ठाकुर रसिक बल्लभ भगवान मंदिर सेवा आश्रम गीता भवन विभीषण कुंड के माध्यम से संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति और भारत की स्वाभिमान, भारत की सनातन की सोच को सुरक्षित रखने के लिए
हमारे हिंदू सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए एक ऐसी सेना तैयार की जाए जिससे फिर दोबारा कोई जयचंद या कोई मोहम्मद गौरी पुनः हमारे भारत में प्रवेश ना कर पाए। क्या नाम हुआ बाबा जी? मेरा नाम पाटेश्वरी राम शरण दास जी महाराज। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा जी? यही गीता भवन विभीषण कुंड के ही मेरा जन्म है, बलरामपुर जिला में गौरामाफी, और मैं 4 साल से यहाँ पर बतौर प्रबंधक तौर पर मैं सेवा दे रहा हूँ निस्वार्थ। चलिए बहुत जी तो साथियों, भक्त का कमी नहीं है अयोध्या में। अपील करता हूँ समस्त जितने भी लोग सुन रहे हों या आपके इस चैनल के माध्यम से देखें या सुने, मैं सभी से एक निवेदन करूंगा, सभी लोग सनातन के संस्कृति की रक्षा के लिए अपना अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को हृदय से लगाते हुए सनातन की संस्कृति, सनातन के धरोहर की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसी सेना तैयार करें कि फिर पुनः कोई आक्रमणकारी, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासक या कोई भी मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी या जयचंद जैसा दुष्ट पुनः हमारे इस भारत की धरती पर आक्रमण ना करने पाए। जय श्री राम। तो साल हारमोनिया हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाएं, बात करने का कोशिश किए। महाराज जी भी हमारे साथ हैं, तो जो भी आदमी जुड़ना चाहते हैं तो बाबा से जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम।